Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. In the last video, we discussed the chapter number 11, Animal Life, Reproduction in Animals. We discussed that what is reproduction, methods of reproducing, we discussed about life cycles, and at last I have told you about mammals. In this video, we shall discuss the exercise question of this chapter. So, the A part of exercise question is tick the correct answer. Let's read out the first question. The process of producing young ones. Wo process jisse animals apne young ones ko produce karte hain and the young ones are of the same kind. That process is called. The options are respiration, reproduction ya photosynthesis. देखो रेस्पिरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट रिप्रोडक्शन द नेचुरल प्रोसेस बाय विच एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ द सेम काइंड एंड फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस था वो प्रोसेस जिससे प्लांट सनलाइट CO2 और वाटर को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते थे सो व्हाट विल बी द आंसर इट इज ऑब्वियस द आंसर विल बी रिप्रोडक्शन बी पार्ट ओके सो द आंसर विल बी रिप्रोडक्शन सेकेंड क्वेश्चन एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस बाय जो एनिमल्स हैं वो कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय लेइंग एग गिविंग बर्थ टू द यंग वंस या बोथ सो जो एनिमल्स होते हैं वो दो वे से रिप्रोड्यूस करते हैं या तो एग ले करके या डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देके सो यहाँ पे आंसर क्या होगा बोथ दोनों तरीकों से ओके थर्ड क्वेश्चन इज बर्ड्स जस्ट आफ्टर हैचिंग डू नॉट हैव जब एग जो होता है उसको हैच आउट करके बेबी बर्ड बाहर निकलता है तो उसके पास क्या नहीं होता फीदर्स आईज या बीक क्या नहीं होता ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी होती है आईज एंड बीक जो यंग बेबी बर्ड होता है उसके पास फीदर्स नहीं होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं जैसे जैसे वो मेच्योर होते हैं उनके फीदर्स डेवलप होते हैं फाइनली वो फ्लाई करते हैं बट जब वो एग से निकलते हैं दे डू नॉट हैव फीदर्स ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन हैश बेबीज ऑफ बटरफ्लाई लुक लाइक जो बटरफ्लाई है उसके जो बेबीज होते हैं जब वो एग को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं तो वो किसके जैसे दिखाई देते हैं स्नेक के जैसे वॉर्म्स के जैसे या फिश के जैसे सो जब बेबी बटरफ्लाई जो एग के अंदर होती है जब वो एग में से निकलती है जब हैच आउट होती है सो इट लुक्स लाइक स्मॉल वॉर्म्स वॉर्म्स के जैसे दिखाई देती है वो ओके वॉर्म्स आपको पता है सिलेंड्रिकल से होते हैं तो वो ऐसे वॉर्म्स की तरह दिखाई देती है ओके फिफ्थ क्वेश्चन इज बेबी बटरफ्लाई विद द कोकून इज कॉल्ड उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जिसमें बेबी बटरफ्लाई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होती है जिसको हम टर्म जिसके लिए हम स्पेशली यूज करें कोकून उसको हम इन जनरल क्या बोलते हैं सो ऑप्शंस आर मैगॉट आपको मैगॉट के बारे में पहले बता देती हूँ कि आपकी बुक में डू यू नो में बताया गया है कि जो हाउस फ्लाई है उसके लार्वा के लिए जो टर्म यूज की है उसको मैगॉट बोलते हैं सो दिस इज रिलेटेड टू हाउस फ्लाई सो ये आंसर ये ऑप्शन तो हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हमें बटरफ्लाई के बारे में पूछा है और मैगॉट इज रिलेटेड टू हाउस फ्लाई लार्वा या फिर प्यूपा सो कोकून वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्यूपा जिसके अंदर वो पैक होता है ओके सो दिस वाज पार्ट ए नेक्स्ट वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट बी बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस फिल इन द ब्लैंक्स सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द फिल इन द ब्लैंक्स द एग्स आर कवर्ड विद अ हार्ड कवरिंग जो एग है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो एग है वो एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं हम कहते हैं शेल सो द आउटर मोस्ट कवरिंग इज शेल सेकेंड इज डैश प्रोटेक्ट्स द बेबी बर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है इनसाइड द एग एग के अंदर बेबी बर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है सो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर थ्री पार्ट्स आउटर मोस्ट इज शेल देन देयर इज एल्ब्यूमिन विच प्रोटेक्ट्स द बेबी बर्ड और यॉक किस लिए होता है टू डिराइव द फूड सो प्रोटेक्शन के बारे में पूछा है तो आंसर विल बी एल्ब्यूमिन थर्ड क्वेश्चन इज डैश एंड डैश लेज एग्स आपको बताना है आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि एग ले करते हैं तो आपको पता है बर्ड्स बर्ड्स एग ले करते हैं एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो लेज एग्स फोर्थ इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन बाय द यंग वंस ऑफ द इंसेक्ट्स बिफोर दे चेंज इनटू एडल्ट्स उस प्रोसेस को क्या कहते हैं
जिसमें इंसेक्ट्स अपनी स्किन को शेड करता है, निकालता है, नई स्किन आती है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रोसेस होता है तो जो इंसेक्ट है वो फाइनली अडल्ट में चेंज होता है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग. That process is called molting. Next is animals that give birth to their young ones. उन animals को हम क्या कहते हैं जो अपने young ones को birth directly birth देती हैं, जन्म देती हैं. So those animals are called mammals. Okay? The C part is give example. आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, आपसे एग्जाम्पल पूछने, तो आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने फॉर ईच. ओके, फर्स्ट इज मैमल्स. मैमल्स के दो एग्जाम्पल बताने हैं. मैमल्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देती हैं. तो कौन कौन से? वी कैन राइट काउ हियर एंड वी कैन राइट डाउन डॉग. सेकेंड इज एग लेइंग एनिमल्स, वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं. तो हम लिख सकते हैं किसी भी बर्ड का नाम. सपोज हमने स्पैरो लिख दिया, स्पैरो एग ले करती है. या फिर एक इंसेक्ट का नाम लिख देते हैं. यहाँ पे एनिमल का एग लेइंग एनिमल, तो एग लेइंग एनिमल में हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बटरफ्लाई. बटरफ्लाई हम लिख सकते हैं, या अगर आपको बटरफ्लाई लिखने तो फ्रॉग भी लिख सकते हैं. फ्रॉग भी तो एग ले करता है इन द वॉटर. नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स दैट ले एग्स. उन टू रेप्टाइल्स के नेम लिखने हैं जो एग ले करते हैं. तो टू रेप्टाइल्स में हम क्या लिखेंगे? स्नेक एंड लिजर्ड. सो विल राइट ऑन स्नेक एंड लिजर्ड. बोथ स्नेक एंड लिजर्ड लेस एग, बट वो अपने एग्स का ध्यान नहीं रखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एनिमल दैट डू नॉट केयर अबाउट देयर एग्स. कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि एग ले कर तो कर देते हैं बट उनका ध्यान नहीं रखते हैं. सो हम लिख सकते हैं लिजर्ड. लिजर्ड भी अपने एग का ध्यान नहीं रखती है. टॉर्टोइस या स्नेक, चलो स्नेक लिख देते हैं. स्नेक भी बिल्कुल अपने एग का ध्यान नहीं रखते हैं. लास्ट इज एनिमल्स दैट नर्चर देयर यंग वंस. उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो अपने यंग वंस को नर्चर, ध्यान रखती है, उनको पालते हैं. सो मैमल्स जो होते हैं वो अपने यंग वंस को नर्चर करते हैं. तो मैमल्स में हम लिख सकते हैं मंकी. ओके, यहाँ पे भी हम एग्जांपल दे सकते हैं काओ, या फिर हम बफेलो भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो. ओके, तो यहाँ पे आपको टू टू एग्जांपल्स देने थे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स का. आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टिक लगाना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपको क्रॉस लगाना है. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. True false. चलो read out करते हैं questions. First question is the larva of a butterfly is called pupa. जो butterfly का larva है उसे हम pupa बोलते हैं. So butterfly का जो larva है उसके लिए एक special term use की है जो क्या है? Caterpillar. तो ये तो wrong है, हम उसको pupa नहीं बोलते क्योंकि pupa एक अलग stage है. तो यहाँ पे हम लगाएंगे cross. Next question is the eggs of the birds are always of the same size and color. कि जितने भी birds होते हैं उन सब के egg same size के होते हैं और same color के होते हैं. So this is a wrong statement. अलग अलग birds हैं, अलग अलग birds के जो egg हैं उनकी shape और उनका size different different होता है, same कभी भी नहीं होता. That means this statement is also wrong. Third is the yolk is the food of the baby bird. की जो baby bird है जब वो egg के अंदर होता है तो अपना food yolk से derive करता है. This is a correct statement. Baby bird अपना food yolk से derive करता है. Yolk is the yellow part. So we will put a tick here. Fourth is caterpillar feeds on green leaves. की जो caterpillar है वो green leaves पे feed करती है. Yes, जब वो egg में से hatch out होती है तो वो कहां फीड करती हैं? ग्रीन लीव्स पे. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. लास्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स. जो ह्यूमन बींग है वो मैमल्स हैं. यस, ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स बिकॉज वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं जब तक वो अपने आप सारी चीजें मैनेज करना ना सीखें. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड we have completed all the questions of exercise. We have done fill in the blanks, give example. We have also done tick the correct answer. At last we did true false. And
Soon you will get assignment related to the chapter. You have to note down the question answers in your notebook. If you have any doubt in any part of the exercise, you can ask me anytime. I hope all this is clear to you. Thank you.